हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू बंसोल. फ्रेंड, वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन. सो पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग जो अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं, तो पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो लेसन प्लान्स, माइक्रो लेसन प्लान्स को लेकर आ रहे हैं. और आज की क्लास में हम लोग जो है अपने मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है मैक्रो लेसन प्लान्स को लेकर आए हैं अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए. सो जो है मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग जो है लेसन प्लान्स को लेकर आएंगे और एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले तो हम लोग हार्मिशियन अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट लेसन प्लान्स को डिस्कस करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर. तो आज की क्लास में हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. हार्मिशियन अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारा जो है लेसन प्लान होगा, जो कि हैंड रिटन फॉर्मेट्स में होगा और आपके सामने डिस्कस किया जाएगा और पूरा का पूरा लेसन प्लान आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा. ठीक है, सो जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. तो बाकी चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को. आज की क्लास में हम लोग जो अपने लेसन प्लान को डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं अपने फर्स्ट मैक्रो लेसन प्लान को. ठीक है, माइक्रो डिस्कशन के अंदर डिफरेंट स्किल्स को यूज़ किया जाता है, वो हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी. तो आज की क्लास में हम लोग जो मैथमेटिक्स के मैक्रो लेसन प्लान को भी डिस्कस कर लेते हैं. सो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा परसेंटेज. परसेंटेज जो है टॉपिक, इसके बेस पे हम लोगों ने पूरा लेसन प्लान प्रिपेयर किया है जो आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगी अभी. सो सबसे पहले हम लोग जो है अपनी फाइल के अंदर डिटेल्स फिल करेंगे. डेट, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फिल करेंगे. देन टॉपिक परसेंटेज. क्लास 8 का ये टॉपिक है तो हम लोग यहाँ पर क्लास मेंशन करेंगे, 8th क्लास. ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इज 30 to 35 मिनट्स. देन इलुस्ट्रेटिव एड्स में हम लोग चार्ट लिखेंगे. देन आ जाते हैं जनरल टीचिंग एड्स. तो जनरल टीचिंग एड्स के अंदर लिखा जाएगा अ वेल इक्विप्ड क्लासरूम विद ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर एंड पॉइंटर. देन स्पेसिफिक टीचिंग एड. स्पेसिफिक टीचिंग एड के अंदर हम लोग लिखेंगे अ चार्ट रिलेटेड टू द टॉपिक. देन आ जाते हैं हमारे पास जनरल ऑब्जेक्टिव्स. तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, टू डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर ऑफ स्टूडेंट, टू इम्पार्ट टू स्टूडेंट द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय देम इन डेली लाइफ. देन आ जाएगा टू डेवलप लॉजिकल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स. देन आ जाएगा टू इनेबल स्टूडेंट्स टू सॉल्व द डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ वेयर इन द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड. सो दीज आर ऑल आर द जनरल ऑब्जेक्टिव्स. देन आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम लोग लिखेंगे टू अक्वेंट द स्टूडेंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज एंड इट्स कन्वर्जन इन टू डेसिमल एंड फ्रैक्शन. सो दीज आर आवर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. उसके बाद हम लोग जो हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे. तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होंगी आफ्टर द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन परसेंटेज, एक्सप्रेस फ्रैक्शन और परसेंटेज, सॉल्व द सम रिलेटेड टू परसेंटेज. सो दीज ऑल आर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. देन आ जाती है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, जिसे हम लोग पीके टेस्टिंग भी कह सकते हैं. सो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट जो पीपल टीचर जो है पीपल्स के सामने रखेंगे दैट इज डिफाइन फ्रैक्शन. सो स्टूडेंट्स का आंसर आएगा फ्रैक्शन में बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ होल और द कलेक्शन. देन सेकेंड क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर देयर. पीपल्स जो आंसर देते हैं देयर आर 5 टाइप ऑफ फ्रैक्शन. नेम द टाइप ऑफ फ्रैक्शंस. देन आंसर आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड लाइक फ्रैक्शन. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट परसेंटेज. सो स्टूडेंट्स को परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं मालूम. ठीक है, तो अब अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक हो जाएगी. सो वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज. जो आज की क्लास में हम लोग जो है परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. देन आ जाता है प्रेजेंटेशन. पीपल टीचर विल डेवलप द लेसन बाय लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मैथड एंड विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स. ठीक है, सो ये हमारा जो है लेसन प्लान स्टार्ट होता है. सबसे पहले तो हम लोग जो है 4 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर, सेकेंड इज पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड इज पीपल्स एक्टिविटी एंड फोर्थ इज बीबी वर्क, मतलब ब्लैक बोर्ड वर्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है परसेंट क्या है. द वर्ड परसेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड परसेंटम विच मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100.
सो पीपल टीचर विल इंट्रोड्यूस द पर्सन टू पीपल बाय यूजिंग एग्जांपल एंड राइट इट्स डेफिनेशन ऑन ब्लैक बोर्ड. पीपल टीचर जो है एक एग्जांपल के साथ पूरे पर्सन की डेफिनेशन को समझाते हैं और जो उसी के साथ साथ ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेंशन करते हैं. और जो हमारे पीपल हैं दे विल लिसन वेरी केयरफुली अटेंटिवली एंड राइट ऑन देयर नोटबुक. और उसी के साथ साथ अपनी नोटबुक के ऊपर जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है उसे नोट करते हैं. देन आ जाता है परसेंटेज. द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज. द सिंबल परसेंट इज यूज टू डिनोट. ठीक है, एग्जाम्पल लिया गया 14/100. प्यूपल टीचर विल डिफाइन द परसेंटेज मीनिंग बाय इलुस्ट्रेटिव एंड एग्जाम्पल. पीपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड नोट डाउन ऑन देयर नोटबुक. उसी के साथ साथ जो पीपल होंगे वो उसे नोटबुक के ऊपर जो है नोट करेंगे. Then expressing fraction as percent. To express a fraction as percent, multiply the fraction by 100 and assign the percent sign. सबसे पहले फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखा जाता है पीपल टीचर जो है यहाँ पर उन्हें एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं. देन पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन एज परसेंट बाई गिविंग द सर्टेन एग्जाम्पल्स. जो पीपल टीचर है एग्जाम्पल्स देकर जो है किस तरह से फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया जाता है इस बारे में बताते हैं. पीपल विल ऑब्जर्व एंड लिसन टू पीटी वेरी केयरफुली. जो पीपल हैं वो पीपल टीचर को ध्यान से सुनेंगे और इस चीज को अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करेंगे. देन आ जाता है एक्सप्रेस परसेंट एज अ फ्रैक्शन. टू एक्सप्रेस परसेंट एज अ फ्रैक्शन डिवाइड द नंबर बाय 100 एंड रिमूव परसेंट साइन. ठीक है, परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, यहाँ पर हमारे पास 57% है, हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, हम परसेंट के साइन को हटा देंगे और फ्रैक्शन में 100 लिख देंगे. प्यूपल टीचर विल एक्सप्रेस द वे टू कन्वर्ट परसेंट एज फ्रैक्शन. यहाँ पर प्यूपल टीचर जो है उन्हें समझा रहे हैं एग्जाम्पल के साथ प्यूपल्स को. प्यूपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. प्यूपल जो है कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं. उसी के साथ साथ जो है प्यूपल टीचर ब्लैक बोर्ड समरी भी साथ साथ में डेवलप कर रहे हैं. देन आ जाता है एक्सप्रेसिंग अ डेसिमल एज परसेंट. टू एक्सप्रेस डेसिमल एज परसेंट वी मल्टीप्लाई इट बाई 100 और शिफ्ट डेसिमल पॉइंट बाई 2 प्लेसेस टू राइट एंड पुट परसेंट साइन. जो प्यूपल टीचर हैं कन्वर्शन ऑफ डेसिमल एज परसेंट के बारे में बता रहे हैं एग्जाम्पल के साथ प्यूपल्स को एंड प्यूपल जो है इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी दी गई है दैट हाउ टू कन्वर्ट और वी कैन से हाउ टू एक्सप्रेस अ डेसिमल एज परसेंट. यहाँ पर हमारे पास डेसिमल नंबर है जिसको हम लोग जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके डेसिमल को नीचे लेकर जाएंगे, नीचे जो है हम लोग फ्रैक्शन में लेकर जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग परसेंटेज में इसे कन्वर्ट कर देंगे. प्यूपल टीचर विल आस्क क्वेश्चंस टू एक्सप्रेस डेसिमल इनटू परसेंटेज. अब प्यूपल टीचर ने जो है एक क्वेश्चन जो है प्यूपल्स के सामने रखा कि किस तरह से इसे जो हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करेंगे एंड प्यूपल्स जो है आंसर देते हैं. देन आ जाता है एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज अ डेसिमल. टू एक्सप्रेस द परसेंट इन टू डेसिमल वी डिवाइड इट बाई 100 और शिफ्ट डेसिमल पोजिशन बाई 2 प्लेसेस टू लेफ्ट एंड रिमूव परसेंट साइन. यहां पर हमें एग्जाम्पल के साथ बताया गया है हाउ टू कन्वर्ट परसेंट इन टू डेसिमल एंड पीपल टीचर विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज. परसेंटेज एज अ डेसिमल के कॉन्सेप्ट को पीपल टीचर यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं. पीपल विल लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड नोट इट ऑन देयर नोटबुक. जो पीपल हैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के साथ साथ अपने नोटबुक के ऊपर जो है नोट भी कर रहे हैं. देन आ जाता है परसेंटेज इंक्रीज. When the value of an item increases to a new value, then we calculate the percentage increase of that item. It is calculated by percentage increase. ठीक है, percentage increase किस तरह से calculate किया जाता है? New value minus initial value over initial value multiplied by 100. So pupil teacher will introduce the concept of percentage increasing and also write the formula on blackboard. पीपल जो है इसे लिसन कर रहे हैं केयरफुली और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. उसी के साथ साथ परसेंटेज इंक्रीज के फॉर्मूले को पीपल टीचर ने मेंशन कर दिया है ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी. देन आ जाता है परसेंटेज डिक्रीज. व्हेन द वैल्यू ऑफ एन आइटम डिक्रीजेस देन वी मे नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय परसेंटेज डिक्रीज. परसेंटेज डिक्रीज किस तरह से फाइंड किया जाता है? न्यू वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ओवर
initial value multiplied by 100. Okay, so pupil will explain the percentage decrease concept and write the formula on blackboard. उसी के साथ साथ जो है blackboard पर formula लिखा जा रहा है and pupil उसे ध्यान से पहले तो सुन रहे हैं और उसके बाद उस चीज़ को अपनी notebook के ऊपर note कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमारा percentage जो है पूरा concept ख़त्म हो जाता है. So generalization कर दी जाती है. So well students, today we have learned about the concept of percentage. तो आज की क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है एंड देन रिकैप्चुलाइजेशन कर दी जाती है. लास्ट स्टेप, डिफाइन परसेंटेज. हाउ कैन वी एक्सप्रेस फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज फॉर्मूला. हाउ कैन वी इंक्रीज एक्सप्रेस डेसिमल एज परसेंटेज. ठीक है, सो ये हमारी रिकैप्चुलाइजेशन हो गई एंड उसके बाद होमवर्क दे दिया जाता है. एक्सप्रेस डेसिमल इनटू परसेंटेज. एक हम लोगों ने डेसिमल में दे दिया है एक नंबर, उसको परसेंटेज के अंदर चेंज करना है. सो दिस इज होमवर्क फॉर स्टूडेंट्स. सो ये हो जाता है हमारा पूरा लेसन प्लान ऑन द टॉपिक परसेंटेज, जो कि हार्बेशियन अप्रोच के अकॉर्डिंग है. जनरल टीचिंग एड, स्पेसिफिक टीचिंग एड, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. देन आ जाता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. देन आ जाता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, पीके टेस्टिंग, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, प्रेजेंटेशन एंड हमारा लेसन प्लान यहाँ से स्टार्ट हो जाता है.